अलका लांबा जो कि राष्ट्र प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का जो करेक्शन है वो आतंकवादी से एक्चुअली कंपेयर किया आपको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस इतनी हल्की बातें करती है कि इसीलिए देश की जनता ने पिछले दो आम चुनाव से उसे विपक्ष का नेता के पद के लायक भी नहीं छोड़ा। अब कांग्रेस का हाथ तो आतंकवादियों के साथ एक लंबे समय से रहा है। आपको याद होगा कि जिस समय पंजाब में अकालियों के वोट के विभाजन की कांग्रेस कोशिश कर रही थी तो उन्होंने आतंकवादी भिंडर वाले को आगे बढ़ाया था, जो अंततः उनके लिए ही भस्मासुर साबित हुआ। और ये सोनिया गांधी ही थी, इनके कांग्रेस की अध्यक्षा, जिन्होंने बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद कहा था कि आतंकवादियों की लाश देखकर उन्हें नींद नहीं आई, और उनके नेता सलमान खुर्शीद ने ही बताया था कि सोनिया गांधी आतंकवादियों की लाश को देखकर फूट फूट कर रोई थी। और ये उनके पार्टी के ही राजकुमार राहुल गांधी हैं जो जेएनयू गए थे और उन लोगों को संबोधित किया जिन्होंने आतंकवादी अफजल गुरु के फांसी होने के बाद ये नारा लगाया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और इशरत जहां से कांग्रेस का क्या संबंध है ये भी सारे लोग जानते हैं। और बुहरान वानी कि जब इनकाउंटर में, जिस समय उसकी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ इनकाउंटर में मौत हो गई थी, तो उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने ही इस मौत पर प्रश्न उठाया था। देश के बाहर पाकिस्तान जाकर मोदी जी को प्रजातंत्र के बारे में खतरा इनके पार्टी के ही लोग बताते हैं। तो कांग्रेस जब इस तरह की बातें करेगी और आतंकवादियों के साथ भाजपा को जोड़ने की बात करेगी तो देश की जनता इसे एक बैड जोक इन बैड टेस्ट समझती है। और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको मैंने दिखा दिया, इनका हाथ तो हमेशा से आतंकवादियों के साथ रहा है। भाई, अब जेएमएम के नेताओं को तो खुश होना चाहिए कि एक मिनट के लिए अगर उनकी बात को हम सच भी मान लें कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है कि हीरा भगत किसी बीजेपी के बिहार के लीडर के रिलेटिव, तो भाई आपको तो खुश होना चाहिए। आप हमेशा कहते थे कि ईडी जो है वो निष्पक्ष नहीं है, अब तो ईडी अगर आपकी बात सही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हाथ डाल रही है, तो आप अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और साहब, आपने ही कभी कहा था कि ईडी निष्पक्ष नहीं है और ईडी की जो कार्रवाई थी उसको गीदड़ भभकी करार दिया था और चैलेंज किया था पंकज मिश्रा ने कि आई एम वेट ईडी आइए। तो आज इनको खुश होना चाहिए कि ईडी सारे दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, अगर इनकी बात सही है। लेकिन ये आज भी राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि काफ़ी कुछ बचा हुआ है जिसे ये छिपा रहे हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।